जय हिंद दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022। नमस्कार दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 को लेकर एक बड़ी अपडेट लेके आए हैं दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपके पास में होनी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फाइनली तौर पर अगर आपको फाइनली तौर पर यहाँ पर सिलेक्शन लेना है बीएसएफ में, तो छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा। और आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन 2018 की, जो वैकेंसी इस वैकेंसी से काफी कम थी, फिर भी दोस्तों वो कौन कौन सी ट्रेडें थी जिनकी सबसे हाई कट ऑफ देखने को मिली, साथ ही बात करते हैं कि कट ऑफ किस प्रकार रही थी, कौन कौन से राज्यों की कट ऑफ हाई रही थी, साथ ही कौन से राज्यों की कट ऑफ कम रही थी। बिल्कुल दोस्तों, कुछ राज्यों जो मैं आपको बताने वाला हूं, उन राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल इस बार आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन में फाइनली सिलेक्शन होना 100% श्योर है, क्योंकि काफी कम कट ऑफ रहती है। और अगर आप फिजिकल और ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो दोस्तों आप रिटर्न आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। इसको लेकर मैं आपको 100% गारंटी और विश्वास दिलाता हूं। 2018 रिक्रूटमेंट में हमने पूरी प्रोसेस आपको डिटेल से बताई थी, साथ ही कट ऑफ से लेकर फाइनल वैकेंसी से लेकर फाइनली सिलेक्शन तक पूरा लंबा सफर हमारा रहा था। एक एक चीज के बारे में हम जानते हैं और एक एक चीज के बारे में आज आपको बताएंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा सहायता मिलने वाली है। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी। दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से काफी अच्छी गाइड आ चुकी है। बिल्कुल दोस्तों, पूर्णतः सिलेबस के हिसाब से बुक को तैयार किया गया है। और दोस्तों, ये अन्य बुक से बेस्ट क्यों है, क्योंकि एक ही बुक पढ़ने से आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन में अच्छा स्कोर करने का मौका मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस बुक से आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस वर्क बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, और इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी जाके आप इस दोनों बुकों को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार काफी बड़े बदलावों के साथ में बीएसएफ रिक्रूटमेंट करवाने जा रहा है, और काफी जल्द प्रोसेस होगा इसका। और आप दोस्तों अगर आज से ही तैयारी में जुट जाते हैं और फॉर्म भरते समय छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं कि कौन सी ट्रेड से हमें फॉर्म लगाना चाहिए, ताकि हम आराम से क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि फॉर्म लगाते समय अभ्यर्थी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, उनको पता तक नहीं होता कि ये ट्रेड कौन सी, और वो फॉर्म लगा देते हैं वैकेंसी को देख के। लेकिन जब उनका फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है, उनका ट्रेड टेस्ट होता है, तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होती है और वो फेल हो जाते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है। तो दोस्तों, आज मैं सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार दोस्तों सभी के एडमिट कार्ड आने वाले। सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात तो यही है कि सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग लेने को लेकर, क्योंकि दोस्तों इस बार ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन पहली बार अप्लाई करने का मौका बीएसएफ ट्रेड्समैन में मिल रहा है। 2018 में ऑफलाइन था, काफी ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन कुछ ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड आ पाए थे, जिससे कि दोस्तों काफी ज्यादा अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे लेकिन उनके एडमिट कार्ड नहीं है, तो उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे। अगर बात करें तो वैकेंसी, इस बार आपकी वैकेंसी भी काफी अच्छी है। दोस्तों, पिछली बार आपकी जो वैकेंसी थी वो 1700 के लगभग थी, और इस बार आपकी 2788 वैकेंसी। मैं आपको बार बार 2020 से यही बात दिलासा देते आ रहा था, मैं आपको यही बोल रहा था कि इस बार की जो आपकी वैकेंसी होगी वो बड़ी वैकेंसी होगी, क्योंकि लंबा समय हो चुका है, वैकेंसी काफी खाली पड़ी है, और बीएसएफ लंबे समय के बाद वैकेंसी करा रहा है, तो वैकेंसी कम से कम 2500 प्लस आपके आराम से होगी। और यहाँ पर 2700 के लगभग वैकेंसी है, जिसमें अकेले मेल कैंडिडेट के लिए 2651 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 137 वैकेंसी है। तो वैकेंसी में कोई कमी नहीं है, वैकेंसी आपकी खूब है। उसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों आपकी लास्ट डेट 28 फरवरी है। अब यहां पर वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, फॉर्म भरते समय बहुत सारे बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, वो सबसे पहले वैकेंसी देखते हैं। उनको नहीं पता होता है कि कौन सी पोस्ट से हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो वैकेंसी देखते हैं और फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, मैं 2018 की वैकेंसी के बारे में बात करता हूं आप सभी के लिए। मेरे जानकार ऐसे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया था, राजस्थान की बात करें तो 80 नंबर, 100 में से 80 नंबर लाए थे वोटर कैरियर से, लेकिन फिर भी उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। रिटर्न क्वालिफाई भी हो गए थे लेकिन मैट लिस्ट में वो बाहर हो गए थे। तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। और मैं बता देता हूं, वोटर कैरियर की कट ऑफ ज्यादा रहती है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि वोटर कैरियर का काम क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, वोटर कैरियर एज ए कुक, वोटर कैरियर कुक होता है, और कुक क्या ही एक सहायक है, और ट्रेड टेस्ट में ही जो कुक का काम करवाया जाता है वही वोटर कैरियर से करवाया जाएगा। लेकिन
बच्चे सोचते हैं कि पानी का सप्लाई करेगा वहां फौज में जाके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर आपको कुक का साइक मतलब आपको कुकिंग का काम ही करना होगा। तो आप बिल्कुल फॉर्म लगाते समय इसका ध्यान रखें, सबसे ज्यादा फॉर्म वाटर कैरियर से लग जाते हैं जिसके कारण उसकी कट ऑफ हाई रह जाती है। अगर बात करें तो दोस्तों आपकी जो कट ऑफ रहती है वो स्टेट वाइज कट ऑफ रहती है, बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं। अगर बात करें राजस्थान हरियाणा यूपी इनको छोड़ने के बाद में हरियाणा की भी कट ऑफ कम रहती है दोस्तों ट्रेड्समैन की, बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं, ट्रेड्समैन की कट ऑफ कम देखने को मिलती है हरियाणा की भी। लेकिन सबसे हाई कट ऑफ वाले राज्य की बात करें तो राजस्थान है, सबसे हाई कट ऑफ इसी की रहती है। बाकी के बहुत सारे राज्य लगभग बात करूं तो 20 प्लस स्टेट ऐसे मिल जाएंगे आपको, 20 से 25 के लगभग, जिनमें दोस्तों आप सभी की कट ऑफ मात्र अगर आप 45 से 50 नंबर भी लेके आते हैं तो आपका फाइनली तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आपने किसी भी पोस्ट से अप्लाई क्यों ना किया हो। अब यहां पर बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर स्वीपर से अप्लाई कर दे, स्वीपर की कट ऑफ कम जाती है। दोस्तों सभी की मेंटेबिलिटी सेम है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास में कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं कौन से ट्रेड से लगाऊं, मैं स्वीपर से लगा दूं क्या स्वीपर की कट ऑफ कम जाएगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिस पोस्ट से ज्यादा फॉर्म लगेंगे उस पोस्ट की कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और दोस्तों स्टेट वाइज कट ऑफ जाने के बाद में भी आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो पोस्ट वाइज कट ऑफ रहेगी। ऐसा होगा जैसा कि अगर बात करें कि मणिपुर की कट ऑफ है, मणिपुर की कट ऑफ की बात कर लेते हैं एज एग्जांपल, यहां पर उसकी कट ऑफ है वो यहां पर कोबलर की कट ऑफ है वो मात्र 36 नंबर पे गई है, वही टेलर की कट ऑफ है वो 40 पे गई है, कुक की कट ऑफ है वो 45 पे गई है। इस प्रकार कट ऑफ रहती है पोस्ट वाइज। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर आपके 45 नंबर है और आपने दोस्तों वाटर कैरियर से लगा दिया फोन और वाटर कैरियर की कट ऑफ 50 पे चली गई तो आपको काफी ज्यादा दुख होता है। आप सोचते हैं कि खास मैंने भी टेलर या कोबलर या कुक से फॉर्म लगा दिया होता तो कुक से मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मैंने वाटर कैरियर से लगा के गलती कर दी जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो दोस्तों ये तो आपकी फॉर्म, जितने ज्यादा आपकी पोस्ट फॉर्म अप्लाई होगा जितना ज्यादा आपका कंपटीशन होगा उतनी ज्यादा उस पोस्ट की कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन आपको फॉर्म भरते समय एक बार पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल से देखना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है फॉर्म अप्लाई करते समय। अगर आपको फाइनली तौर पर बीएसएफ ट्रेड्समैन में सिलेक्शन लेना है तो पूरे नोटिफिकेशन में आपकी जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज वैकेंसी दिखाई गई, तो आप अपने स्टेट की वैकेंसी देखें। सपोजली अगर आप कुक से अप्लाई कर रहे हैं तो कुक की पोस्ट देखें, आपके राज्य में जाए उसके बाद में कुक की यहां पर पोस्ट पर जाके आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसी भी जरूर देखें, अपनी कैटेगरी साथ ही जनरल कैटेगरी, ये दो कैटेगरी की आप वैकेंसी देख के ही फॉर्म अप्लाई करें, तभी दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे पता नहीं होता है, उन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया लेकिन उनको बाद में पता चला कि मैंने जिस पोस्ट से अप्लाई किया था मेरी कैटेगरी से उस पोस्ट के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, तो दोस्तों आप डायरेक्टली बाहर हो जाओगे, रिटर्न देने के बाद में भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे क्योंकि आपकी वैकेंसी नहीं है। तो एक बार नोटिफिकेशन जरूर पूरा डिटेल से देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी जो पीडीएफ है, स्टेट वाइज पीडीएफ है, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप बाबू फौजी सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहीं पर आपको हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की पल पल की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, टेस्ट से रिलेटेड भी मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहीं पर आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।